और अब खबरें विस्तार से। पार्षद चतुर्भुज धनुलिया के द्वारा महिलाओं और क्षेत्रीय नागरिकों पर की गई अभद्रता के विरोध में सवर्ण समाज के हजारों लोगों ने थाटीपुर थाने का घेराव कर दिया और अभद्र पार्षद धनुलिया की गिरफ्तारी और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला बिगड़ते देख एएसपी अमन सिंह राठौर थाना थाटीपुर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। आखिरकार एएसपी अमन सिंह राठौर ने फरियादिया की शिकायत पर आरोपी पार्षद धनोरिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया और कार्रवाई न करने पर उप निरीक्षक इंदर सिंह को लाइन अटैच कर दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। एससी एसटी एक्ट में संशोधन होते ही दलित समुदाय के जन प्रतिनिधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो समस्या लेकर जाने वाले लोगों को ही आरोपी बनाकर पुलिस को सौंपने लगे। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को थाटीपुर थाने में हुआ, जहां नेत्रपाल भदौरिया खुले चैम्बर की शिकायत लेकर स्थानीय पार्षद चतुर्भुज धनोरिया के यहां पहुंचे, तो भीड़ देखकर पार्षद धनोरिया ने पुलिस को बुलाकर नेत्रपाल सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम के समय काफी लोगों ने आके नहीं मेरे घर पे हमला किया, घर में जबरन घुसने का प्रयास किया और महिलाओं के साथ में बदतमीजी की और वो कह रहे थे कि पार्षद अगर मिल जाए तो उसी को यहीं पे मार देंगे। इसके बाद क्या है? उसमें मेरे को घर वालों ने फ़ोन करके बताया गया कि क्या नाम है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और वो क्या नाम है आपको पूछ रहे हैं, तो हमने नंबर दे दिया है और नंबर दे के नहीं मगर वो तो जाना लोग उदम कर रहे थे, तो क्या नाम है मैंने पुलिस को सूचना करी फ़ोन पे, TI जो कि बघेल जी है वो इंदौर में पदस्थ, उनने बताया कि 100 नंबर पे कॉल करें, 100 नंबर पे कॉल किया, CSP महोदय मनीष जी को फ़ोन लगाया, उसके बाद में मैं जहाँ पे आया तो काफ़ी संख्या में लोग थे और क्या नाम है वो व्यक्ति था जो क्या नाम है उसने पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसने मेरे साथ में भी अभद्रता की और धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दी उसने। क्यों की? क्यों की? कारण क्या पूरा? वो ये बता रहे कि आप कोई गड्ढा अड्डा है और गड्ढा भरवाया नहीं है, आपने काम नहीं किया है। पहले आपकी जानकारी में आया था ये मामला? नहीं, पहले कभी जानकारी में नहीं आया। और आपको बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति नेत्रपाल भदौरिया जो है वो बाड़े की इसमें निवासी नहीं करते, वो कुंज विहार बाड़े 19 लगता है, जो मेरे बाट का मैटर ही नहीं है। जो बाट 19 के व्यक्ति अगर उनकी कोई समस्या थी तो अपने पार्षद जी के पास जाना चाहिए। पुलिस द्वारा उसको यहाँ से पकड़ा गया मेरे घर से और मैं पुलिस के साथ मैं थाने गया और पुलिस ने जो क्या नाम है उसके नाम FIR दर्ज की गई है। आरोपी एक ही है उसमें, अन्य है उसमें साथ में 40-50। जब नेत्रपाल भदौरिया की मां स्थानीय लोगों के साथ थाने पहुंची और नेत्रपाल को रिहा करने की बात की तो पुलिस ने तो अभद्रता की ही, साथ ही पार्षद चतुर्भुज धनोलिया ने भी नेत्रपाल की मां पत्नी और बहन के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि ऐसी बातें कही जो शोभा नहीं देती। यहाँ आए तो हमने या इन लोग उससे पार्षद से बोला कि भैया आप ऐसे क्यों करें, हाथ जोड़े पैर छुए सब कुछ किए, तो कहता कि रुको रुको थोड़ी देर बाद बात करूंगा, बाहर जाके बात करूंगा, उसने ये चीज़ बोली। जैसे ही हम लोग निकले यहाँ से, हम बाहर गए तो वो हाथ पकड़ने लगा, बदतमीजी करने लगा, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ने लगा, वो कहने लगा एक रात के लिए आ जाओ तो मैं कर दूंगा, अपनी बहू को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, इस तरीके की बदतमीजी करने लगा इस पार्षद ने। दिनोनिया जो है चतुर्भुज धनोजिया जो उसका नाम है, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे पुलिस वालों से बोला, इनसे बोला हमारी भी कार्रवाई दर्ज करो। अभी जब वो थाने के बाहर हम यहीं पास में हमारे सामने बदतमीजी कर रहा है तो औरतें कहाँ पे सेव होंगी। हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों से शिकायत की तो इनने हाथ धक्का दे के बोल दिया कि जाओ हाथ पकड़ के निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर उसके बाद में हमने बोला कि नहीं हम जाएंगे चाहे कुछ भी हो, हम 2-3 घंटे यहाँ बैठे रहे तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हमने CM हेल्पलाइन को फ़ोन किया, उसके बाद में हमने नंबर लिया, फिर हमने SP साहब को फ़ोन किया, SP साहब से बोला, उसके बाद इन लोगों ने सुना और ये लोग धक्का मुक्की करने लगे, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा है एक पार्षद होके।
औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा है, थाने के बाहर बदतमीजी कर रहा है, औरतें कहाँ से सेव होंगी, ये बोलता है बहू बेटियों को लेके आओ, तुम मम्मी से कहने लगे कि हाथ पकड़ के तुम अपनी बहू को भेज दो तो मैं छुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरीके की बदतमीजी करने लगा हमसे। आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने सवर्ण समाज के हजारों लोगों के साथ बुधवार को सुबह थाटीपुर थाने का घेराव कर दिया और पार्षद चतुर्भुज धनोलिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। थाना घेराव की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी अमन सिंह राठौर थाने पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ और लोगों का कहना था जब तक पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक मामला शांत नहीं होगा। काफी समझाइश के बाद आखिरकार एडिशनल एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश पर आरोपी पार्षद चतुर्भुज धनोलिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और रात में फरियादिया की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में ढील बरतने वाले उपनिरीक्षक को लाइन का रास्ता दिखाया, तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पार्षद के खिलाफ पुलिस ने मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। चतुर्भुज धनोलिया जी हैं, पार्षद हैं यहाँ पे, उन्होंने कल एक एफआईआर कराई थी लगभग 100 लोगों के विरुद्ध कि भाई पानी के एक खड्डा था उसको लेकर कुछ लोग शिकायत करने आए थे, बाद में उनके साथ अभद्रता की, ऐसा उनका कहना है, उसको लेकर के एक एफआईआर की गई है। तो सामने वाला पक्ष है उनका ये कहना है कि उनके एक महिला है जो आरोपी की माता है, उनके साथ बदतमीजी की पार्षद के द्वारा, उसमें लोग एफआईआर करवाना चाह रहे हैं, तो जैसे उनकी कंप्लेंट लिख के देंगे सुसंगत धारा में उसमें कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा जो तत्कालीन प्रभारी थे इंदर सिंह, उनके विरुद्ध ये आरोप था कि उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी है, तो अभी हम उनको लाइन भेज रहे हैं और यदि ये सिद्ध पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर दोषी को फायदा पहुंचाने के लिए एफआईआर नहीं लिखी तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आक्रोशित लोगों का कहना था कि जब तक आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मामला शांत नहीं होगा। एडिशनल एसपी राठौर ने सभी प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि मामले की जाँच पड़ताल के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों में नेत्रपाल सिंह भदौरिया के परिवारजनों के अलावा स्थानीय नागरिक और सवर्ण समाज की ओर से सुरेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र सिंह भदौरिया, महेश मुदगल सहित हजारों लोग मौजूद रहे।